नमस्ते स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का जो चैप्टर नंबर 2 है बायोलॉजी का, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, पहला जो था लाइफ प्रोसेस, हम उसका भी वीडियो नहीं बनाए हैं, वो बाद में फिर बना के डाल देंगे। ये दूसरा जो वीडियो चैप्टर है आपका, दैट इज़ कॉल्ड द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हम इसका बना रहे हैं। इसका ऑलरेडी एक और वीडियो बनाए हैं, लेकिन वो नोट टाइप का बनाए हैं, अब वो भी चैनल पर जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट क्लास 10 वाले में। एंड ये जो वीडियो रहेगा ये एनसीईआरटी वाइज रहेगा, हाईलाइट करके जो हम आपको बताना चाहते हैं क्या क्या पढ़ना है क्या क्या नहीं पढ़ना वो दिखाना चाहते हैं, ओके। एंड जो इसके अगला चैप्टर जो रहेगा, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, उसका तो चार चार पार्ट बना के डाले हैं एंड एक शॉर्ट भी डाले हैं, तो अगर चाहे तो आप वो देख सकते हैं। तो चलिए अभी फोकस पर रखते हैं इस चैप्टर को एंड समझने की कोशिश करते हैं, जल्दी सीखते हैं, ओके। तो सबसे पहला चीज़, अगर आप ये चैप्टर पढ़ते हैं यहाँ पर देखिए पूरा बकवास, ओके, हम रहते हैं आपकी जगह तो हम बिल्कुल नहीं पढ़ते, तो ये पहली चीज़। सेकेंड चीज़, अगर आप यहाँ आते हैं तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सबसे पहला चीज़ आपको पढ़ना ये रहा, आपको ये रट्टा मार के पढ़ना है, अच्छे से बनाना सीखना है। ऑलरेडी अपने क्लास 9 में टिश्यू नाम का चैप्टर जब पढ़े थे वहाँ भी आपको ये पढ़ना था, नर्वस टिश्यू का डायग्राम, और क्लास 10 में ही पढ़ना, तो ये सबसे पहला चीज़ जो आपको ये पढ़ना है। दूसरा चीज़ आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ये रहा, ओके, इसमें क्या है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन जरा पढ़िएगा, दिस इज द जनरल स्कीम ऑफ हाउ ए नर्वस इंपल्स ट्रैवल्स इन द बॉडी। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ दे हाउ, मतलब राइट ए नोट शोइंग द जनरल स्कीम ऑफ हाउ नर्वस ट्रैवल्स इन ए बॉडी, है ना, तो जनरल स्कीम अगर आपसे पूछे तो आपको ये पैराग्राफ आपको लिख के आना, मतलब इस पैराग्राफ में बोला क्या जाता है, बताया ये जाता है कि जैसे एक न्यूरोन से दूसरे न्यूरोन में इंफॉर्मेशन जब ट्रैवल होता है तो दो न्यूरोन से एक दूसरे से अटैच नहीं रहते, जब अटैच्ड नहीं है तो इंफॉर्मेशन कैसे पास करता है, तो आंसर है एक न्यूरॉन मान लीजिए ये है, दूसरा न्यूरॉन ये है, बीच में गैप है, तो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जो इंफॉर्मेशन जाएगा, तो पहले जब इंफॉर्मेशन रहेगा वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में रहेगा, दूसरे में जाएगा तो भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल में रहेगा, लेकिन जब बीच में ये पास करेगा तो वो क्या बन जाता है, केमिकल सिग्नल का रूप ले लेता है। कैसे, तो आपने पढ़ा होगा जो ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, जरा देखिए हम समझाते हैं आपको, ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो इसका, जो ये जो इसको कहते हैं नर्व एंडिंग के सटा हुआ जो स्ट्रक्चर होता है उसको सिनैप्स कहते हैं, सिनैप्स या सिनैप्टिक, और इसके अंदर सिनैप्टिक नॉब पाया जाता है। इसी में जो एक चीज़ पाया जाता है केमिकल, जिसका नाम है न्यूरोट्रांसमीटर, ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या करता है, इस इन्फॉर्मेशन को केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, जिसके मदद से वो जो है सिनैप्स से हटकर कहाँ चले जाएगा, जो नेक्स्ट न्यूरॉन का जो डेंड्राइट वाला जो पोर्शन है वहाँ चल जाएगा। तो ये सारी बातें इसमें लिखा गया है, तो आपको ये पैराग्राफ पढ़ना है और ये डायग्राम जो बोले आपको वो डायग्राम सीखना है, ओके। इसके बाद अगर आप आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर कुछ कहानी बोला गया है, चाहे तो आप पढ़ लीजिए, जैसे कि अपना नाक बंद करके मुँह में चीनी डालिए तो आपको वो क्या स्वाद में चेंज लगेगा, बिल्कुल लगेगा, क्योंकि सब चीज़ का एक केमिकल होता है, तो जब आपका नोस बंद रहेगा तो आपका वो जो केमिकल आप सूंघ नहीं पाओगे, इसलिए आपको ये पता नहीं चलेगा उसका टेस्ट क्या है, टेस्ट आपको डिफरेंट लगेगा। तो इस तरह कुछ बकवास एक्टिविटी है, मन है तो कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक, व्हाट हैपेंस इन रिफ्लेक्स एक्शन। तो आपको रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ने से पहले आपको ये जानना है स्टिमुली क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्स आर क्या होता है, एंड रिस्पॉन्स क्या होता है, एंड रिसेप्टर क्या होता है। तो 5-6 टर्म्स से आपको पढ़ना है, ये ऑलरेडी हमने अपना जो दूसरा वीडियो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का जो बना के डाला है नॉट टाइप वाला, उसमें हम डाले हुए हैं। तो प्लीज़ अगर आपको जानना है ये 5 चीज़ें एक बार और सुन लीजिए, स्टिमुली, रिस्पॉन्स, रिसेप्टर, देन रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स आर्क। तो ये आप वहाँ से आके ज़रा पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, हम उसका लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट बॉक्स में भी डाल देंगे, तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, यूज़फुल रहेगा, ज़रा वो भी देखिएगा, ओके। इसके बाद अगर आप आगे बढ़ते हो इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, ये तो कन्फर्म है, ये कन्फर्म है, ओके। यहाँ पर ये जो हम बोलना चाहते हैं सब यहाँ पर लिखा गया है, दिस इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क, जो भी है तो ये पढ़ लीजिए, या तो वहाँ से भी आप एक बार जाके देख लीजिए। एंड कई बार ये डायग्राम भी आ जाता है, लेकिन ये डायग्राम में आता क्या है, तो आपको जो है मार्किंग करने के लिए आ जाएगा, लेबल करने के लिए आ जाएगा, जैसे कि इन्फॉर्मेशन सबसे पहले कौन लेगा, रिसेप्टर लेगा, रिसेप्टर लेके सेंसरी न्यूरॉन के मदद से कहाँ भेजेगा, स्पाइनल कॉर्ड या तो ब्रेन जिसको आप सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हो वहाँ भेजेगा, वहाँ से इन्फॉर्मेशन जो है मोटर न्यूरॉन कैरी करेगा, और जहाँ पर आपको पेन हो रहा है उस पेन वाले पोर्शन में आपको भेजेगा, तो मतलब मसल्स में भेजेगा। तो ये 5 नाम ज़रा याद रखिएगा, सबसे पहला रिसेप्टर, फिर उसके बाद सेंसरी न्यूरॉन, देन आपका स्पाइनल कॉर्ड या तो ब्रेन जिसको आप सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हो, दोनों को मिला के कहते हो कि जैसे कि ब्रेन प्लस
स्पाइनल कॉर्ड दोनों किसके अंडर में होता है, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होता है। एंड उसके अलावा फिर उसके बाद कहाँ जाएगा, मोटर न्यूरॉन की मदद से ये जो है अलग अलग मसल्स में जाके इन्फॉर्मेशन को पहुँचाएगा। तो आपको ये चीज़ पढ़ के जाना है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट जो आपको पढ़ना है वो है आपका ह्यूमन ब्रेन के बारे में। तो ह्यूमन ब्रेन से भी आप क्वेश्चन उम्मीद कर पाओगे, जैसे कि सीधा पूछेगा डिस्क्राइब ह्यूमन ब्रेन, या राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ब्रेन, या राइटली राइट ब्रीफली अबाउट ब्रेन, या एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ ब्रेन, कुछ भी आ सकता है। तो आपको ये पढ़ के जाना पड़ेगा। ओके, लेकिन इसमें पढ़ना क्या है, तो सबसे पहला चीज़ आपको ब्रेन का कुछ बेसिक बातें जानना पड़ेगा, जैसे कि ब्रेन इज़ द मेन ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, मेन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन यही करता है, कंट्रोलिंग का फंक्शन जो होता है। देन इट इज़ द फैटेस्ट ऑर्गन ऑफ योर बॉडी, इट्स वेट इज़ अराउंड 1.350 ग्राम या 1.450 ग्राम, ये चेंज होता रहता है पर्सन टू पर्सन, मेल टू फीमेल एंड किड टू चिल्ड्रेन टू ओल्ड एज, तो ये चेंज होते रहता है। ह्यूमन ब्रेन के तीन पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। तो आपको ये सारी चीज़ें सुनकर पढ़कर जाना है। देन ब्रेन जो होता है, फोर ब्रेन के अंदर सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस, थैलेमस होता है, मिड ब्रेन के अंदर कॉर्पोरा, क्वाड्रिजेमिना होता है, एंड फोर ब्रेन के अंदर आपका बेसिकली क्या होता है, सॉरी हिंड ब्रेन के अंदर या हाइंड ब्रेन के अंदर क्या होता है, सेरिबेलम, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लांगाटा। ये सारा चीज़ हम इसलिए इतना स्पीड बोल रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी कवर्ड है। प्लीज़ वो दूसरे वाले वीडियो में भी आप जाके ये देख सकते हो। ओके, ये हम बस एनसीईआरटी वाइज आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं। इसके बाद अगर आप आगे बढ़िएगा तो ये स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन प्लीज़ पढ़ के जाइएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा लोकेशन में कौन सा आपका पार्ट है ये लेबल करने के लिए सीख के जाइएगा। ओके, फिर उसके अलावा जैसे कि फंक्शन, जैसे हम बोले फंक्शन पूरे देगा सेरिबेलम का काम, या हु डू द फंक्शनिंग ऑफ जैसे कि थिंकिंग, थर्स्ट, हंगर, इमोशन, फीलिंग्स, ये सब का कौन करता है। तो आपको इस तरह आपको एक एक करके फंक्शन पढ़ के जाना है, सब यहाँ पर आपको दिया गया है, तो आप बस यहाँ से कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद यहाँ पर कुछ बातें, हाउ आर दिस टिश्यू प्रोटेक्टेड, मतलब ब्रेन जो होता है बेसिकली एक हम लोग कहते हैं बोर्नी बॉक्स होता है, बोर्नी बॉक्स के अंदर में होता है, और ये बोर्नी बॉक्स जो इसको आप लोग क्रैनियम कहते हो या स्कल कहते हो, तो ये सब इन्फॉर्मेशन दिया गया है यहाँ पर, आप पढ़ लीजिए जो भी हम कह रहे हैं उसमें लिखा गया। ओके, एंड उसके अलावा फिर है हाउ डज द नर्वस टिश्यू कॉज एक्शन, तो ये सबसे लास्ट टॉपिक है, इतना इंपॉर्टेंट है, इसको कह नहीं रहे हैं, देख लीजिएगा बस। ओके, तो ये इतना टॉपिक एनिमल्स के बारे में था, एनिमल टिश्यू के बारे में, लेकिन अब जो हम बोलने वाले वो है आपका प्लांट टिश्यू के बारे में। एंड ये क्वेश्चन जो होता है ये भी कर लीजिए, चलिए दो तीन क्वेश्चन करते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन और वॉकिंग में डिफरेंस क्या होता है, तो जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है वो बेसिकली इनवॉलंटरी एक्शन होता है। ओके, बट जो वॉकिंग होता है वो वॉलंटरी एक्शन होता है, आपके काबू में है, आप चलोगे अपने मर्जी से, लेकिन आपका रिफ्लेक्स एक्शन, मान लो आपके हाथ में अगर आग लग जाए तो आप वो आपके आपके बिना परमिशन के भी वो हट जाएगा, क्योंकि वो इनवॉलंटरी एक्शन है। और इनवॉलंटरी एक्शन को काबू कौन करता है, तो सेरिबेलम करता है। सेरिबेलम किसका पार्ट है, हिंड ब्रेन का पार्ट है। ओके, तो ये सब चीज़ें जो आप पढ़ोगे सीखोगे आगे जाके। देन सिनेप्स, टू न्यूरॉन्स के बीच में जो सिनेप्स का एंड पोर्शन होता है, यहाँ होता क्या, ये भी हमने आपको ऑलरेडी सबसे स्टार्टिंग में बोला था इसी वीडियो में, जरा वापस करके सुन लीजिएगा। आंसर था जनरल स्कीम, जो वाला हम टॉपिक बोले थे जनरल स्कीम, वो वाला पढ़ लीजिए। ओके, अब चलिए नए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट के, प्लांट्स में कैसे कोऑर्डिनेशन होता है। ओके, मतलब इसमें बेसिकली आपको ये समझना है कि जब ब्रेन के पास, सॉरी प्लांट के पास जब ब्रेन ही नहीं है तो नर्वस सिस्टम भी नहीं होगा, जब नर्वस सिस्टम नहीं है तो उनमें कंट्रोल कैसे होता है, तो आंसर उनके लिए उनके शरीर में ट्रॉपिज्म होता है। ओके, ट्रॉपिज्म, अब अलग अलग तरह का ट्रॉपिज्म होता है मूवमेंट का, जैसे कि जियोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म, केमोट्रॉपिज्म, तो इस तरह अलग अलग ट्रॉपिज्म होता है, ये सब आपको यहाँ दिया गया, आप लोगों को वो पढ़ना है। तो ये सब चीज़ें इसमें दिया गया। ओके, अलग अलग जगह पर से हम दिखा भी देते हैं आपको कहाँ पर है, ये रहा मूवमेंट कैसे होता है, ये टॉपिक में आपको ये सब पढ़ना है। देन इसके अलावा जो भी हम नाम बोल रहे थे, ये रहा फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, और भी सारे हैं, केमोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म, तो ये ट्रॉपिज्म के बारे में देख लीजिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट पेज में अगर आप आते हैं, कुछ प्लांट हॉर्मोन्स आपको पढ़ के जाना है, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये प्लांट हॉर्मोन्स पढ़ के जाना है। जैसे प्लांट में बेसिकली फाइव हॉर्मोन्स होता है, होते तो बहुत सारे हैं, पांच ही मान लीजिए, उसमें से तीन हॉर्मोन ऐसा होता है जो प्लांट हॉर्मोन प्लांट में ग्रोथ को प्रमोट करता है, जबकि दो जो है प्लांट में ग्रोथ को इनहिबिट करता है। ओके, अगर प्रोमोटर की बात कीजिएगा, ऑक्सिन, गिबरेलिन, साइटोकिनिन, ये सब प्रोमोटर है। ओके, एंड एब्सिसिक एसिड, और जो एक और होता है दैट इज कॉल्ड एथिलीन, ये जो होता है प्रो
मतलब ग्रोथ इनिबिटर होता है ओके। और ये सब नाम दिया गया, बस आपको ढूंढ ढूंढ के पढ़ लेना है, ये रहा ग्यूब्रिलिन, ये रहा साइटोकिनिन, और भी होगा ऑक्सिन भी लिखा होगा, तो बस ये आपको ये सब पढ़ लेना है। एंड चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको ख़त्म करते हैं जल्दी से, हॉर्मोन्स इन एनिमल्स। तो देखिए कन्फर्म है कि एक ब्रेन से एक सवाल आ सकता है, एक नॉर्मल न्यूरोन से स्ट्रक्चर में से क्वेश्चन आ सकता है, एक आपका प्लांट हार्मोन में से क्वेश्चन आएगा, एक एनिमल हार्मोन से क्वेश्चन आएगा, एंड कुछ डिसीज़ के बारे में पूछेगा। जैसे कि एनिमल हार्मोन जब आप पढ़ोगे, चलो पढ़ते हैं देखते हैं, इसमें जब आओगे तो आपको ये बॉक्स पढ़ के जाना है, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए ये वाला बॉक्स कन्फर्म आएगा कि ये जो बॉक्स है कन्फर्म आएगा। इसमें क्या पूछेगा, थायरोइड ग्लैंड जो है वहाँ से जो हार्मोन आता है उस हार्मोन का नाम बताओ, थायरोक्सिन होता है। थायरोक्सिन की कमी से जो बीमारी होता है उसका नाम क्या है, आयोडीन की कमी मतलब गोइट्री नाम का बीमारी होता है। या पूछ देगा ग्रोथ हार्मोन जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड से जो आता है ग्रोथ हार्मोन, इसकी कमी से जो बीमारी होता है बचपन में उसको हम लोग कहते हैं ड्वार्फिसम, और जो बढ़ जाए ग्रोथ हार्मोन उसको हम लोग कहते हैं जाइजेंटिज्म। और अगर कुछ एज तक मतलब 12 साल तक बड़े 10-12 साल तक अगर आपने ये ग्रोथ हार्मोन हो और उसके बाद अगर ये रुक जाए उसका नाम है क्रेटिनिज्म। तो कुछ बीमारियों का नाम और भी है इंसुलिन, ओके, इंसुलिन कौन से ग्लैंड से आता है एंड इंसुलिन की कमी, इंसुलिन की बढ़ोतरी से क्या क्या होगा, आपको ये पढ़ना है। तो इस तरह की चीज़ें आपको कवर करके जाना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है ओके। एंड यही सब था, एंड कुछ प्रोटीन की बीमारी, क्वाशिकर, मरास्मस, ये भी ज़रा सुन लीजिएगा, जान लीजिएगा ओके। एंड हाइपोथैलेमस का रोल क्या है, तो ये सब पढ़ लीजिएगा। कुछ ग्लैंड्स कहाँ कहाँ लोकेटेड है, उस ग्लैंड से निकलने वाले हॉर्मोन्स कौन कौन से हैं, ये जान लीजिएगा। एंड डायबिटीज़ रिलेटेड जो चीज़ें हैं, ब्लड शुगर आपका जो होता है, इंसुलिन से रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन, मतलब इंसुलिन या तो गोइट्री, इन दोनों में से एक कन्फर्म आएगा ओके। दो बीमारी मेन है, एक गोइट्री और एक आपका इंसुलिन से होने वाला डायबिटीज़, तो ये दोनों टेस्ट कर लीजिएगा, ये भी कन्फर्म आएगा। तो इस तरह अपना वीडियो हो गया, क्योंकि अगर आपको ज़्यादा जानना है तो आप पूरा वीडियो भी देख लीजिएगा, तो बार बार कह रहे हैं कमेंट सेक्शन में उसका डाल देंगे लिंक और डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।